हेलो माय डियर स्टूडेंट आई एम योर टीचर ऑफ एसएसटी। टुडेज क्लास वी डिस्कस आवर बुक ऑफ एसएसटी। सो लेट्स सी व्हाट इज आवर टुडे टॉपिक्स फॉर डिस्कसिंग। स्टूडेंट अब तक हमने हमारे 8 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। 9 चैप्टर हमारा कंटिन्यू था। ये चैप्टर हमने पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने पढ़ लिया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था, अवर नेबरहुड यानी हमारे पड़ोसी में, पड़ोस में कौन है, यानी कि जो घर हमारे आसपास होते हैं उनको हमारे पड़ोसी कहा जाता है, नेबर्स कहा जाता है, और उन घरों में जो लोग रहते हैं या घरों के आसपास का जो एरिया होता है उसे नेबरहुड कहा जाता है, यानी एक ऐसा एरिया जो हमारे आसपास होता है उसे नेबरहुड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा क्या आ जाता है, मार्केट आ जाता है। जैसे कि आप जानते हो मार्केट हमारे पड़ोस में होता है या फिर हमारे आसपास मार्केट होता है, तो मार्केट में खूब सारी शॉप्स होती है जहाँ खूब सारी डिफरेंट चीज़ें हम बाई करते हैं, परचेजिंग करते हैं, रोज़ाना परचेजिंग करते हैं या वीकली मंथली हम परचेज करते हैं। हमारी जितनी भी नीड्स है उन नीड्स को फुलफिल हम कहाँ से करते हैं, हमारे नेबरहुड से। तो उसमें से एक है मार्केट। आगे हमने किया था स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये कुछ ऐसे हमारे नेबरहुड थे जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। जैसे स्कूल है, स्कूल में हम क्यों जाते हैं, स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे कि आप स्कूल आते हो स्टडी करने के लिए। पार्क में क्यों जाते हैं, पार्क में बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, बड़े जो होते हैं हमसे वो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट था हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इसलिए जाया जाता है ताकि हम बीमार हो तो वहाँ हमारा इलाज किया जा सके। हमारा इलाज किया जाता है किसके द्वारा, हमें एग्जामिन किया जाता है, फिर हमें मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर और नर्सेस के द्वारा। फिर था पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं, हमारे लेटर को पोस्ट करते हैं, जैसे हम पोस्ट कार्ड परचेज कर सकते हैं, स्टाम्प्स परचेज करते हैं, इनवेलप परचेज करते हैं। पुलिस स्टेशन, जब हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी होती है, कुछ बुरा होता है, तो उसकी रिपोर्ट जो हम कहाँ करते हैं, हमारे पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट हम करते हैं। तो बच्चों ये तो हमारा चैप्टर जो हमने पढ़ लिया था और मैंने आपको एक बार फटाफट इसको रिवाइज करवा दिया। फिर नेक्स्ट हमने किया था चूज़ द करेक्ट वर्ड। जो करेक्ट वर्ड था, दो वर्ड दिए गए, दोनों में जो करेक्ट था उसे हमने चूज़ करना था। ये भी हमारी क्लास में हो चुका था। आज का अपना टॉपिक रहेगा बच्चों बी, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स को हमें करना है। हेल्प बॉक्स में क्या क्या, स्विंग्स, नेबर्स, शॉप्स, नेबरहुड, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे हेल्पिंग बॉक्स में है। देखिए इनको यूज़ हमने किया है और कैसे करना वो देखिए। There are many dash in the market. In a market, एक मार्केट में बहुत सारी होती है, तो एक मार्केट में बच्चों बहुत सारी क्या होती है, शॉप्स होती है, तो हमने इस बॉक्स से क्या लिया, शॉप्स लिखा है। नेक्स्ट है There are many dash in a park. पार्क में खूब सारे होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, स्विंग्स, एस डब्ल्यू आई एन जी एस, स्विंग्स मतलब झूले। नेक्स्ट है We should live in a dash peacefully. हमें रहना चाहिए शांतिपूर्ण, कहाँ रहना चाहिए बच्चों, हमारे नेबर्स में, यानी कि हम हमारे जो आसपास लोग हैं उनके साथ में शांतिपूर्वक हमें रहना चाहिए। द पीपल हु लिव्स नियर आवर हाउस आर कॉल्ड नेबरहुड, यानी कि जो लोग हमारे पास में रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं। तो ये हमारे हो गए बी सेक्शन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक। अब आपको करना है सी, दैट इज मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में देखिए हमें 1 2 3 4 को मैच करना है ए बी सी डी से। देखिए मार्केट 1 पे है, तो मार्केट में क्या होता है बच्चों, मार्केट में खूब सारी शॉप्स होती है, तो हमने इसको मैच किया शॉप से। फिर 2 नंबर पे है स्कूल, स्कूल में क्या होता है बच्चों, स्कूल में होती है ए यानी स्टडी, तो हमने किसको मैच किया, किससे, स्कूल को स्टडी से मैच किया। फिर है 3rd बैंक, बैंक में क्या होता है बच्चों, बैंक में होता है मनी डिपॉजिट या मनी विड्रॉल, तो यहाँ लिखा हमने डी के साथ में इसको मैच किया, बैंक का सीधा रिलेशन किससे, मनी से। फिर आगे पार्क, पार्क में क्या होता है बच्चों, पार्क में बच्चे स्विंग्स पे झूलते हैं, तो स्विंग्स यानी झूले, तो पार्क में झूले होते बेसिकली, तो हमने 4 को बी से मैच किया। तो ये तो हमने किया था मैच दी फॉलोइंग। आई होप आपने मैच दी फॉलोइंग समझे होंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है हमारी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया, अब एक बार फटाफट से इन क्वेश्चंस को हम स्टडी करते हैं, फिर इनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट है हु एग्जामिन्स पेशेंट इन ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को एग्जामिन कौन करता है। सेकेंड है वेयर डू चिल्ड्रन प्ले इन दी नेबरहुड, नेबरहुड में बच्चे कहाँ खेलते हैं वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है वॉट इज ए नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन ए नेबरहुड, पड़ोस में स्कूल होने का क्या रोल है, यानी कि स्कूल का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था स्कूल कहाँ होती है, स्कूल हमारे आसपास होती है, तो हमें बताना है कि पड़ोस में स्कूल होने के क्या फ़ायदे हैं,
या क्या रोल होता है हमारे पड़ोस में स्कूल होने का, इनको हम करेंगे एक नोटबुक में। सो लेट्स स्टार्ट अवर आंसर्स। तो फर्स्ट आंसर जो फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ एक बार में। हु एग्जामिन पेशेंट इन दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पेशेंट को एग्जामिन कौन करता है? तो बच्चों डॉक्टर एग्जामिन पेशेंट इन दी हॉस्पिटल। डॉक्टर क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, कहाँ? हॉस्पिटल में। सेकेंड है, वेयर डू चिल्ड्रन प्ले इन दी अवर इन दी नेबरहुड, हमारे पड़ोस में बच्चे कहाँ खेलते हैं? तो देखिए चिल्ड्रन प्ले इन दी पार्क, बच्चे कहाँ खेलते हैं? बच्चों खेलते हैं हमारे पार्क में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है वो हमें बताना है। देखिए द हाउस दैट सराउंड आवर हाउस आर कॉल्ड आर नेबरहुड, ऐसे घर जो हमारे आसपास होते हैं उन्हें नेबरहुड कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन ए नेबरहुड, तो नेबरहुड में स्कूल होने का क्या रोल होता है? तो आंसर बताना है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल फॉर स्टडी, स्कूल पास में होने का फायदा ये है कि बच्चे स्कूल में जा सकते हैं, किसके लिए? स्टडी के लिए। तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार देख लीजिए आज आपको होमवर्क में क्या क्या करना है। आज आपको होमवर्क में बी सेक्शन करना है, जिसमें हमने क्या किया था, फिल इन द ब्लैंक। फिर आपको करना है सी, जिसमें हमने किया था मैच दी फॉलोइंग। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये आपको नोटबुक में करना है। फिर नेक्स्ट हमें करना है आगे का जो हमारा पोर्शन है, नेक्स्ट हमें करना है डी सेक्शन, दैट इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये चार क्वेश्चन आपको करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का करने हैं और मैच दी फॉलोइंग और नेक्स्ट क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इतना वर्क आज आपका नोटबुक का एज ए वर्क रहेगा। स्टूडेंट आपको ये वर्क राइट करने के साथ साथ में नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में राइट करोगे, उसके बाद में आपको इसको लर्न भी करना, ताकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको ये अच्छे से लर्न हो सके। स्टूडेंट यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू अगेन।